हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पी एन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल इस चैप्टर में इसके पहले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेके जो इस प्रॉब्लम सेट के रिमेनिंग क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। लुक हियर, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ यम इज x+3 अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 2mx प्लस 21। ये x+3 इस पॉलिनोमियल का यम के किस वैल्यू के लिए फैक्टर रहेगा, ऐसा यहां पे हमें पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, बाय फैक्टर थ्योरम अगर x+3 इसका फैक्टर है तो इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू अगर हमने -3 सब्स्टिट्यूट किया तो इसका आंसर हमें 0 मिलना चाहिए। व्हाई? बिकॉज x+3 इज अ फैक्टर। तो सबसे पहले अब हम इस पॉलिनोमियल को p(x) कंसीडर करते हैं। नाउ लेट p(x) इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल है x³ माइनस 2mx प्लस 21। इट इज अवर पॉलिनोमियल। ओके, यहां पे हम x+3 फैक्टर है। देखिए फैक्टर क्या दिया है हमें, फैक्टर है यहां पे x+3। नाउ अपोजिट ऑफ +3, अपोजिट ऑफ +3 इज -3, या फिर 3 का जो अपोजिट है ये क्या है, -3 है। देयरफॉर हम यहां पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -3, क्योंकि यहां पे +3 है और +3 का अपोजिट है -3, तो x का वैल्यू हम -3 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जहां जहां x है वहां पे हमें -3 सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए क्या मिलेगा, p ऑफ -3 इक्वल्स टू x है तो -3 सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, -2m इंटू अगेन x का वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट करना है प्लस यहाँ पे 21। अब देखिए -3 का क्यूब, इसका मतलब -3 का 3 टाइम्स प्रोडक्ट, -3 इंटू -3 इंटू -3। अब ये -3 इंटू -3, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 9 मिलेगा। 9 इंटू -3 ये -27 हो जाएगा। तो इसका मतलब -3 का क्यूब हमें लेना है -27। अब देखिए फ्रेंड्स, ये माइनस और इंटू ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। 2m इंटू 3 हमें 6m मिलेगा और प्लस यहाँ पे रहेगा 21। अब इस 21 को मैं -27 के साथ लेता हूँ, तो -27 प्लस 21 प्लस 6m इस प्रकार से मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, 27 ग्रेटर नंबर है, 21 स्मॉलर नंबर है। 27 का साइन माइनस है, 21 का साइन प्लस है, तो 27 में से 21 को माइनस करना है और ग्रेटर नंबर का साइन मतलब माइनस हमें यूज करना है। तो ये मिलेगा हमें -6, क्योंकि 27 में से 21 को माइनस किया तो 6 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो ये -6 प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा 6m। ये है p ऑफ -3 का वैल्यू। लेकिन x+3 इज अ फैक्टर ऑफ x+3, यहाँ पे हमें किसका फैक्टर दिया है, इस पॉलिनोमियल का, मतलब किसका, p(x) का। तो x+3 अगर p(x) का पॉलिनोमियल है तो बाय फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, अगर हम फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं तो बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ -3 का वैल्यू हमें 0 मिलना चाहिए। रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिलना चाहिए। व्हाई? बिकॉज x+3 इज अ फैक्टर। इसका मतलब p ऑफ -3 0 मिलना चाहिए। लेकिन p ऑफ -3 कितना है, -6 प्लस 6m, तो यहाँ पे हम -6 प्लस 6m इक्वल्स टू कंसिडर कर सकते हैं 0। इसका मतलब 6m इक्वल्स टू हो जाएगा 6। इस -6 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो +6 होगा। इसका मतलब m इक्वल्स टू रहेगा 6/6, मतलब m का वैल्यू हमें मिलेगा 1। ओके, तो x+3 ये जब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर रहेगा तब हमें m का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हमने यूज किया है, देखिए फ्रेंड्स, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम इस कंसेप्ट को यूज करके, ये अगर x+3 इसका फैक्टर है तो p ऑफ -3 का वैल्यू 0 मिलना चाहिए, ऐसा हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। और p ऑफ -3 का वैल्यू हमें मिला है -6 प्लस 6m, तो इस -6 प्लस 6m इक्वल टू हमने 0 लिया और उसको इक्वल टू 0 लेके m का वैल्यू यहाँ पे हमें मिला है 1। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर 2016, मतलब 2016 का जो एंड है उस साल का, द पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस कोवर्ड, वरुड, चिखली इज 5x² माइनस 3y² 7y² प्लस 2xy एंड 9x² प्लस 4xy रिस्पेक्टिवली। मतलब 2016 के एंड में, उस साल के एंड में कोवर्ड इस विलेज का पॉपुलेशन था 5x² माइनस 3y²। थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लगता होगा क्योंकि पॉपुलेशन जनरली हम नंबर्स में बताते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन हमें वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया है। ओके, फिर कोविड का जो पॉपुलेशन है 5x² माइनस 3y² है, वरुड का पॉपुलेशन 7y² प्लस 2xy है और चिखली का पॉपुलेशन 9x² प्लस 4xy है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अब इसका आपको देखिए हैबिट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसके बाद मतलब क्लास 10th में भी हमें बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब पॉलिनोमियल हमने जो सीखा है उस कंसेप्ट को वर्ड प्रॉब्लम के लिए अप्लाई करना है। वर्ड प्रॉब्लम देखिए आपको क्लास 10th के हर एक प्रैक्टिस सेट में, सॉरी क्लास 10th के हर एक चैप्टर में लास्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट है अलजेब्रा में, ये वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पे दिया है एप्लीकेशन उस चैप्टर का। जैसे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये जो चैप्टर है, तो इसका अगर आप लास्ट प्रैक्टिस सेट देखोगे तो वर्ड प्रॉब्लम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में, हर एक चैप्टर में लास्ट वाला प्रैक्टिस सेट आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 रहता है ना अपने आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, तो वहाँ पे 4 और 5 में क्रिएटिव और 5 में चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें मैक्सिमम यहाँ पे देखिए वर्ड प्रॉब्लम ही पूछे जाते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें कंडीशंस पहचाननी रहती है, कंडीशंस आइडेंटिफाई करनी रहती है और उन कंडीशंस को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन दिया गया है कोवर्ड का 5x² माइनस 3y², वरुड का 7y² प्लस 2xy, चिखली का 9x² प्लस 4xy। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2017, मतलब जब 2017 स्टार्ट हुआ तो उस समय x² प्लस xy माइनस y² 5xy and 3x² plus xy persons from each of the three villages respectively went to another village for the education। तो क्या हुआ 2017 के बिगिनिंग में, जैसे कोविड से x² plus xy minus y² इतना पॉपुलेशन बाहर गया एजुकेशन के लिए अनादर विलेज में। 5xy वरुड़ का पॉपुलेशन चला गया, 3x² plus xy चिखली का इतना पॉपुलेशन उस विलेज में से नेक्स्ट दूसरे विलेज में चला गया फॉर एजुकेशन पर्पस। अच्छी बात है, एजुकेशन के लिए लोग माइग्रेट हो रहे हैं, दूसरे विलेजेस में जा रहे हैं। ओके, अच्छी बात है ये। द थ्री विलेजेस रिस्पेक्टिवली वेंट टू अनादर विलेज फॉर एजुकेशन, देन व्हाट इज द रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ थ्री विलेजेस। अब देखिए बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। अगर इन तीनों टर्म का हम एडिशन लेते हैं तो 2016 के एंड में उन तीनों विलेजेस का मिला के हमें पॉपुलेशन मिलेगा। ये कोवर्ड का है, ये वरुड़ का है और ये चिखली का है। इन तीनों का अगर हम एडिशन लेते हैं तो 2016 के लास्ट में, ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर 2016 तीनों विलेजेस का मिला के हमें पॉपुलेशन मिलेगा। अब अगर हम इन तीनों टर्म का सम लेते हैं 1, 2, 3, इन तीनों टर्म्स का सम लेते हैं, तीनों पॉलिनोमियल का, तो ये 2017 में उस 3 विलेजेस में से माइग्रेट हुए वाले लोग हैं जो अनादर विलेज चले गए फॉर एजुकेशन पर्पस। तो ये 2016 के पॉपुलेशन में ये जो बाहर चले गए इनको अगर हम माइनस करते हैं तो हमें हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ थ्री विलेजेस, इसका आंसर मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल है, इन तीनों का एडिशन लेना होगा, फिर इन तीनों का एडिशन लेना होगा, इन तीनों का एडिशन, इन तीनों के एडिशन में से अगर हम माइनस करेंगे वी विल गेट आवर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर, द रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ थ्री विलेजेस। बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एट द एंड ऑफ 2016, एट द एंड ऑफ 2016 द टोटल पॉपुलेशन, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेजेस, ऑफ थ्री विलेजेस, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ थ्री विलेजेस, ये हम यहाँ पे पहले फाइंड करते हैं। ये किस प्रकार से फाइंड करेंगे, इन तीनों का हमें एडिशन लेना है, मतलब 5x² माइनस 3y², इसमें ऐड करना है 7y² प्लस 2xy को, और फिर इसमें ऐड करना है 9x² प्लस 4xy को, है ना, सिंपल। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर का टर्म एक्स स्क्वायर के साथ लेते हैं, लाइक टर्म साथ में लेते हैं, 5x² में ऐड करेंगे 9x² को, ओके। फिर उसके बाद में -3y² के साथ में लेते हैं 7y²। वैसे देखा जाए तो पहले x² का टर्म, फिर बाद में xy का टर्म और फिर बाद में y² का टर्म, ऐसा भी लिखा जाता है। तो पहले हमने x² का टर्म लिया, अब इसके बाद में हम xy का टर्म लेते हैं। xy का टर्म क्या है, 2xy प्लस 4xy, इनको ले लिया। फिर इसके बाद में y² का टर्म लेते हैं, यह है -3y² प्लस 7y²। अब देखिए फ्रेंड्स, 5x² प्लस 9x² मतलब ये 14x² हो जाएगा, 2xy प्लस 4xy मतलब ये आपको मिलेगा 6xy, ओके। -3y² प्लस 7y² मतलब 7y² में से 3y² को माइनस करना है, तो देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको 4y²। 7 - 3 मतलब 4y²। तो 14x² प्लस 6xy प्लस 4y², ये क्या हुआ, ये एट द एंड ऑफ 2016 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेजेस, तीनों विलेजेस का ये टोटल पॉपुलेशन होगा। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2017 हम क्या फाइंड करेंगे, the total population migrated to another village, okay, the total population went to another village, मतलब at the beginning, okay, at the beginning, ध्यान दीजिए, at the beginning of 2017, okay, at the beginning of 2017 the total population from 3 villages, the total population from 3 villages, from 3 villages went to another village, went to another village, इसको देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, went to another village। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें तीनों का एडिशन लेना होगा। देखिए पहला क्या है, x square plus xy minus y square, इसमें किसको ऐड करना है, 5xy को, ओके, 5xy को ऐड करेंगे। और इसमें किसको ऐड करना है, 3x² प्लस xy को, 3x² प्लस xy को ऐड करना है। इस x² के साथ हमें 3x² का टर्म लेना है, ओके। फिर xy के साथ 5xy और लास्ट में है प्लस xy, इसको भी लेना है, xy फिर 5xy फिर xy, इन तीनों टर्म्स को हमने साथ में लिया। और y² का सिंगल टर्म है तो -y² रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, x² प्लस 3x² मतलब ये हो जाएगा 4x², xy प्लस 5xy 6xy प्लस xy इट विल बी 7xy और फिर बाद में रहेगा -y², ओके। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, हमें यहाँ पे फाइंड करना है द रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेजेस। तो अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे द रिमेनिंग, ध्यान दीजिए, द रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन, ओके, द रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेजेस, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है, 3 विलेजेस का टोटल रिमेनिंग पॉपुलेशन। और ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। ये टोटल पॉपुलेशन था एट द एंड ऑफ 2016, ये टोटल पॉपुलेशन जो बाहर गया है, तो इनमें से अगर इसको हम माइनस करते हैं तो बचा हुआ पॉपुलेशन रहेगा। तो इसके लिए हम इसे 1 कहेंगे, देखिए फ्रेंड्स, और इसको हम 2 कहते हैं। तो 1 में से 2 को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए 1 हमारे पास क्या है, 14x², फिर उसके बाद में प्लस 6xy प्लस 4y²। इसमें से इक्वेशन, इसमें से पॉलिनोमियल 2 को सब्सट्रैक्ट करना है। पॉलिनोमियल 2 क्या है, 4x² प्लस 7xy माइनस y²। देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग कौन सा, 2 फ्रॉम 1 ऐसा लिया है, हमने 2 को 1 में से सब्सट्रैक्ट किया है। जिस प्रकार से 2 पॉलिनोमियल का सब्सट्रैक्शन लेते हैं, बस उसी प्रकार से यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्शन लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 4x² फिर इसके बाद में 6xy प्लस इसके बाद में रहेगा 4y² फिर -4x² फिर -7xy, इस माइनस साइन का इफेक्ट होगा 4x² के ऊपर और प्लस 7xy के ऊपर, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये रहेगा यहाँ पे y²। बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, लाइक्स टर्म्स को साथ में लेते हैं। तो 14x² के साथ -4x² को लेना है, 6xy के साथ, ध्यान दीजिए 6xy के साथ माइनस 7xy को लेना है और 4y² के साथ y² को लेना है। 4y² प्लस y², लाइक्स टर्म्स को हमने एसोसिएट किया, साथ में लिया है। 14x² के साथ माइनस 4x², फिर 6xy के साथ माइनस 7xy, फिर 4y² के साथ प्लस y²। अब ये 14x² माइनस 4x² मतलब ये मिलेगा आपको 10x²। 6xy माइनस 7xy मतलब ये मिलेगा माइनस xy। बहुत सिंपल सी बात है, ग्रेटर 7 नंबर इज ग्रेटर, 6 नंबर इज स्मॉलर, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है, ग्रेटर नंबर का साइन यूज करना है। फिर उसके बाद में 4y² प्लस y² मतलब ये क्या रहेगा 5y²। तो 10x² माइनस xy प्लस 5y² ये रहेगा द रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन। ओके, ये रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन, द रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेजेस क्या मिलेगा हमें 10x² माइनस xy प्लस 5y²। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से पॉलिनोमियल का एडिशन लिया जाता है, पॉलिनोमियल का सब्सट्रैक्शन लिया जाता है, उसी कंसेप्ट को हमने यहाँ पे यूज किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो एटीट्यूड है अप्लाई एप्लीकेशन का, ये डेवलप होने के लिए इन प्रकार के क्वेश्चंस को ये आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे रखा है। तो एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन का प्रिपरेशन हमें अच्छा करना है, बिकॉज ये हमें विजन देंगे, ये हमारा एटीट्यूड जो है ना ये कंस्ट्रक्ट करेंगे आने वाले जो एंट्रेंस एग्जाम है उनको फेस करने के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 इज पॉलिनोमियल्स bx² plus x plus 5 and bx³ minus 2x plus 5 are divided by polynomial x minus 3 and the remainders are m and n respectively. If m minus n equals to 0, then find the value of b. मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किए बाद रिमाइंडर आ रहा है m। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को x माइनस 3 इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किए बाद रिमाइंडर आ रहा है n और m माइनस n 0 है, मतलब m इक्वल्स टू n है। m माइनस n 0 है मतलब m और n सेम है। अगर ऐसा है तो हमें b का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो पॉलिनोमियल है, सपोज इसको हम लेते हैं p(x). p(x) इज bx² प्लस ax प्लस 5। ये क्या है, ये डिविडेंड है, इट इज डिविडेंड। ठीक है ना, और इसके लिए डिवाइजर क्या है, इसके लिए डिवाइजर है x माइनस 3। तो इस डिविडेंड में ये क्या है, इट इज डिविडेंड, ध्यान दीजिए। तो इस डिविडेंड में हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। वाई, बिकॉज x माइनस 3 इज डिवाइजर। अगर x माइनस 3 डिवाइजर है तो माइनस 3 का अपोजिट 3, तो x इक्वल्स टू हम 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा p ऑफ 3 इक्वल्स टू b इंटू 3² प्लस 3 प्लस 5। इसका मतलब p ऑफ 3 इक्वल्स टू 3² इज 9, तो ये 9b प्लस 8 हो जाएगा। 3 प्लस 5 8, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9b, b इंटू 9 मतलब 9b, 9b प्लस 8। लेकिन यहाँ पे ये है रिमाइंडर, इट इज अवर रिमाइंडर। देखिए ये है यहाँ पे रिमाइंडर, बाय रिमाइंडर थ्योरम इट इज रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर है 9b प्लस 8, लेकिन यहाँ पे हमें रिमाइंडर जो दिया है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में रिमाइंडर हमें m दिया गया है, इट इज गिवन। ये रिमाइंडर आया है और ये रिमाइंडर दिया गया है, इसका मतलब m का वैल्यू रहेगा 9b प्लस 8। चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट, ये हमें m का वैल्यू यहाँ पे मिला है। ओके, फिर अब हम नेक्स्ट पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं q(x). ये सेकंड वाला पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है bx³ माइनस 2x प्लस 5। ये यहाँ का डिविडेंड है, इट इज डिविडेंड। ठीक है ना, और डिवाइजर क्या है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ का डिवाइजर वही है, क्या है x माइनस 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 3 होने के कारण x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर यहाँ पे x का वैल्यू हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया तो q ऑफ 3 इक्वल्स टू b इंटू 3³, ये यहाँ पे 3³। ठीक है ना, फिर माइनस 2 इंटू 3 और फिर यहाँ पे है प्लस 5। ओके, मतलब ये मिलेगा हमें b इंटू 27 2 इंटू 36 प्लस मिलेगा 5। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे q ऑफ 3 जो है q ऑफ 3 हमें मिलेगा 27b माइनस 1, इट इज 27b माइनस 1 मिलेगा। ठीक है ना, ओके ये है यहाँ का बाय रिमाइंडर थ्योरम, ये हुआ यहाँ का रिमाइंडर, इट इज आवर रिमाइंडर। ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमें रिमाइंडर क्या मिला है 27 माइनस बी, ये यहाँ का रिमाइंडर है। लेकिन प्रॉब्लम में रिमाइंडर क्या दिया गया है, देखिए प्रॉब्लम में रिमाइंडर हमारे पास क्या है, इस बी एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5 को अगर हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, n आता है। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर n दिया है, इसके लिए रिमाइंडर यम दिया था, इसके लिए रिमाइंडर यन दिया गया है, लेकिन डिवाइजर दोनों का सेम है, इट इज गिवन, ये हमें दिया गया है। ओके देयरफॉर यन इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 27b माइनस 1, और चलिए इसे कहते हैं हम सेकंड। तो यन का वैल्यू हमारे पास है 27b माइनस 1, यहाँ पे m का वैल्यू हमें मिला है 9b प्लस 8, लेकिन कंडीशन क्या दी गई है m माइनस यन इक्वल्स टू 0, इट इज गिवन, ये हमें प्रॉब्लम में दिया गया है m माइनस यन इक्वल्स टू 0। तो देखिए फ्रेंड्स m का वैल्यू जो है ये है 9b प्लस 8, ओके माइनस यन का वैल्यू है 27b माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग, हमने किस किस को यूज किया है, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को हमने यूज किया है। ओके तो अब ये मिलेगा 9b प्लस 8 माइनस 27b, फिर ये माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके 9b माइनस 27b मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर साथ में लेते हैं तो 9b माइनस 27b मिलेगा, और 8 प्लस 1 इन दोनों को हम साथ में लेते हैं 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 9b माइनस 27b इट विल बी माइनस 18b, 9b माइनस 27b माइनस 18b, माइनस 18b प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस, 27 में से 9 को माइनस करना है, ग्रेटर नंबर का साइन यूज करना है ना। तो 9b माइनस 27b इट इज माइनस 18b प्लस 9 इक्वल्स टू 0, मतलब माइनस 18b इक्वल्स टू माइनस 9, मतलब माइनस 9 अपॉन माइनस 18, मतलब b का वैल्यू मिलेगा 1 अपॉन 2, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, तो b का वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन 2। ठीक है ना, तो हमें क्या दिया था बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, इसको अगर x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यम है, बी एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5 इसको x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर n है, और m माइनस n इक्वल्स टू 0 है। अगर ऐसा है तो हमें b का वैल्यू फाइंड करना था। देखिए फ्रेंड्स b का वैल्यू यहाँ पे हमें मिला है 1/2। ओके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें सिंप्लीफाई करना है 8m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6 इस पॉलिनोमियल से 9m माइनस 7 को सब्सट्रैक्ट करना है, और इसका जो रिजल्ट मिलेगा उसमें 3m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 को ऐड करना है, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसे हम कंसिडर करते हैं 8m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6, फिर यहाँ पे है माइनस 9m माइनस 7 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 8m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9m माइनस इंटू माइनस प्लस 7, फिर ये जैसे हमने इस माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमने ब्रैकेट को रिमूव कर लिया। ठीक है ना, तो माइनस से 9m को मल्टीप्लाई किया माइनस 9m, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस 7, फिर यहाँ से अगर ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4, प्लस है तो इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा ब्रैकेट के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, 8m स्क्वायर में 3m स्क्वायर को ऐड करना है, मतलब सिमिलर टर्म्स को साथ में लेना है। लाइक टर्म जो है 8m स्क्वायर के साथ हमने 3m स्क्वायर को लिया, फिर उसी प्रकार से 3m के साथ लेते हैं -9m को, फिर इसके साथ लेते हैं -2m को। तो देखिए हमने क्या किया, 8m² के साथ 3m² को लिया, लाइक टर्म्स इकट्ठा किया हमने, 3m के साथ फिर -9m और फिर -2m, फिर इस -6 के साथ हमें लेना है +4। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या मिलेगा, 8m² प्लस 3m² इट इज 11m², 3m माइनस 9m तो ये हो जाएगा -6m। बहुत ही सिंपल है, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है, ग्रेटर नंबर का साइन देना है। फिर यहाँ पे -2m, देखिए यहाँ पे भी ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है, ग्रेटर नंबर का साइन देना है, तो ये हो जाएगा -2। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमें मिलेगा 11m² माइनस 8m माइनस 2, ये रहेगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है, हमने क्या किया, इस माइनस से इस ब्रैकेट में जो टर्म्स है हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया, मतलब ब्रैकेट को रिमूव किया। अब यहाँ से ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो प्लस का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ से अगर ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये टर्म एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर अब ये हमने इसके बाद क्या किया, स्क्वायर के टर्म्स को साथ में लिया, 8m² के साथ 3m², फिर उसी प्रकार से 3m के साथ -9m और फिर वहाँ पे लिया हमने -2m, फिर ये -6 के साथ +4 को लिया है। ओके, 8m² प्लस 3m² मतलब 11m², 3m माइनस 9m मतलब ये -6m होगा। अब ये -2m एज इट इज़, ये -6 प्लस 4 -2, तो लास्ट में मिला हमें 11m² माइनस 8m माइनस 2, ये रहेगा इसका फाइनल आंसर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 इज Which polynomial is to be subtracted from x² plus 13x plus 7 to get polynomial 3x² plus 5x minus 4? इसका मतलब इस पॉलिनोमियल से किसे सब्सट्रैक्ट करना होगा, किस पॉलिनोमियल को सब्सट्रैक्ट करना होगा, हमें आंसर मिलेगा 3x² plus 5x minus 4। जैसे सिंपल वे में आपको बताता हूँ, 5 में से किस नंबर को हम माइनस करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 3। बहुत आप देखिए मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, 5 में से कौन से नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर 3 मिलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछता हूँ तो आप फटाक से आंसर दोगे 2, बराबर है ना। 5 में से 2 को अगर माइनस किया तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 3, एग्जैक्टली। तो ये हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, सपोज 5 में से हमें पता नहीं किसको सब्सट्रैक्ट करना है, सपोज 5 में से हम x को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3, अगर हम ऐसा कंसीडर करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस -x को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये x प्लस 3 हो जाएगा, फिर इस +3 को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो -3 हो जाएगा और x का वैल्यू हमें मिलेगा 2। तो इसका मतलब 5 में से 2 को माइनस करते हैं तो आंसर हमें 3 मिलता है। अब हमें पता नहीं है तो हमने उसके लिए वेरिएबल x कंसीडर किया। अब उसी प्रकार से सपोज हमें पता नहीं है कौन सा पॉलिनोमियल सब्सट्रैक्ट करना है, तो जो हमें पता नहीं उसके लिए हम जिस प्रकार से वेरिएबल लेते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे पॉलिनोमियल को कंसीडर करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लेट देखिए सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सपोज हम पॉलिनोमियल जो है ना हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए, लेट Q ऑफ x बी द पॉलिनोमियल, ये ऐसा पॉलिनोमियल है, कौन सा, बी द पॉलिनोमियल विच इज टू बी सब्सट्रैक्टेड, विच इज टू बी सब्सट्रैक्टेड या फिर विच इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, x² प्लस 13x प्लस 7 में से, किस लिए, टू गेट, ओके, टू गेट पॉलिनोमियल 3x² प्लस 5x माइनस 4। तो इसमें से Q ऑफ x को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3x² प्लस 5x माइनस 4, ठीक है ना। Q ऑफ x ले सकते हो या फिर आप P ऑफ x भी ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर इसका मतलब क्या, x² प्लस 13x प्लस 7 इसमें से किसको सब्सट्रैक्ट करना है, p ऑफ x को, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3x² प्लस 5x माइनस 4, ये इसका मीनिंग होगा, है ना। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल में से p ऑफ x को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये पॉलिनोमियल मिलेगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 में से इसको पी ऑफ एक्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस पी ऑफ एक्स का अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं दैट इज अवर आंसर, वो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल रहेगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7, अब ये पूरे टर्म्स, ये राइट हैंड साइड के पूरे टर्म्स ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x को लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं तो माइनस 5x होगा, माइनस 4 को लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं तो प्लस 4 हो जाएगा, और इस माइनस पी ऑफ एक्स को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस पी ऑफ एक्स राइट हैंड साइड में गए बाद प्लस हो जाएगा। ओके, अब सिमिलर टर्म्स को, लाइक टर्म्स को साथ में लेते हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ लेते हैं हम माइनस 3x स्क्वायर को, इस 13x के साथ लेते हैं हम माइनस 5x को, और इस प्लस 7 के साथ लेते हैं प्लस 4 को, प्लस 7 के साथ प्लस 4 को लिया हमने, तो ये यहाँ पे मिलेगा हमें p ऑफ x। ओके, नाउ देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा, ये यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस 2x स्क्वायर, है ना, क्या मिलेगा माइनस 2x स्क्वायर। फिर 13x माइनस 5x लेते हैं तो 13 में से 5 को माइनस करना होगा तो हमें मिलेगा 8x, और 7 में 4 को ऐड करते हैं तो 11 मिलेगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। इसका मतलब पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये पॉलिनोमियल है, मतलब पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें मिलेगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11। तो जो पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को अगर इस पॉलिनोमियल में से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमें मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, है ना, इसमें से अगर इसको हम माइनस करते हैं तो, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, मतलब जो हमें चाहिए था, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा क्या रहेगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 11। चाहे तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, मैं आपको वेरीफाई करके भी बताता हूँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7, इसमें से किसको सब्सट्रैक्ट करना है, इसको, मतलब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11। तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, आंसर मिलना चाहिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, है ना, ये आंसर मिलना चाहिए। चलिए इसका सब्सट्रैक्शन लेते हैं, सब्सट्रैक्शन लेना है मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर मतलब ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, 13x माइनस 8x मतलब ये होगा 5x, और 7 माइनस 11 मतलब ये हो जाएगा माइनस 4। तो देखिए यही मिल रहा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, है ना, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। तो देखिए हमने वेरीफाई भी कर लिया, ये आपको सोल्यूशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा आंसर सही है या नहीं ये मैंने आपको वेरीफाई करके भी बताया है, ठीक है। अब सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करना है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे किस पॉलिनोमियल को सब्सट्रैक्ट करना है वो फाइंड करना था, यहाँ पे किस पॉलिनोमियल को ऐड करना है वो फाइंड करना है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल यम यन है, यहाँ पे भी वेरिएबल्स यम और यन, दो वेरिएबल्स है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल था तो हमने पी ऑफ एक्स इस प्रकार से कंसिडर कर लिया, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है तो हम क्या कहेंगे, लेट, सपोज सिंपली p कहते हैं, लेट p बी द पॉलिनोमियल, सपोज या यहाँ पे हम पॉलिनोमियल क्या कंसिडर करेंगे, p। ओके, सॉल्यूशन है, हम क्या लेते हैं, लेट, ध्यान दीजिए, लेट p बी द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, लेट p बी द पॉलिनोमियल विच इज टू बी एडेड, विच इज टू बी एडेड, किसमें, विच इज टू बी एडेड टू, इस पॉलिनोमियल में 4m प्लस 2n प्लस 3 में, इसको अगर इसमें अगर ऐड किया टू गेट द पॉलिनोमियल, तो इसको ऐड किए बाद हमें क्या पॉलिनोमियल मिलेगा, 6m प्लस 3n प्लस 10। ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, विच पॉलिनोमियल इज टू बी एडेड, इसमें कौन सा पॉलिनोमियल ऐड करना होगा कि हमें आंसर मिलेगा 6m प्लस 3n प्लस 10। बहुत ही सिंपल है, तो हमने क्या कंसीडर किया, सपोज p बी द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है, p, जो इसमें ऐड किए बाद आंसर हमें ये मिल रहा है। ठीक है ना। किसमें ऐड किए बात ध्यान दीजिए, इस 4m + 2n + 3 में, देयरफॉर इस पॉलिनोमियल में 4m + 2n + 3 में किसको ऐड किया, p को ऐड किया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 6m + 3n + 10 सपोज। इसमें हमने अगर p को ऐड किया तो हमें ये पॉलिनोमियल मिलना चाहिए। ओके, तो देखिए अब इस पूरे टर्म्स को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 6m + 3n + 10, ये पूरे टर्म्स उधर ट्रांसफर करेंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 4m है तो माइनस 4m होगा, प्लस 2n है तो माइनस 2n होगा, प्लस 3 है तो माइनस 3 होगा। ओके, एंड देयरफॉर p इक्वल्स टू क्या मिलेगा, फिर जो लाइक टर्म्स है, सेम टर्म्स है, उनको साथ में लेते हैं, 6m − 4m + 3n के साथ लेते हैं -2n को, +10 के साथ हम लेते हैं -3 को। तो देखिए फ्रेंड्स हमें क्या मिलेगा, p इक्वल्स टू 6m − 4m इट इज़ 2m, 3n − 2n इट इज़ +n। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है, तो 3n − 2n मतलब +n हो जाएगा, और उसी प्रकार से 10 − 3 मतलब ये मिलेगा हमें 7। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हमारे पास है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल रहेगा 2m + n + 7, जिसको 4m + 2n + 3 में ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा 6m + 3n + 10। सिंपल सी बात है, 4m की जगह अगर 6m चाहिए तो 2m लेना होगा, 2n की जगह 3n चाहिए तो n लेना होगा, 3 की जगह 10 चाहिए तो यहाँ पे हमें 7 लेना होगा। ठीक है ना, तो देखिए अब चाहे तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके ठीक है, चलिए वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करना है, इसमें अगर इस पॉलिनोमियल को ऐड किया तो आंसर मिलना चाहिए 6m + 3n + 10, किस पॉलिनोमियल में, 4m + 2n + 3 में। किसको ऐड करना है, 2m + n + 7 को। ओके, तो आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, आंसर मिलना चाहिए 6m + 3n + 10। तो देखिए फ्रेंड्स इसका एडिशन लेना है, 4m + 2m 6m, 2n + n 3n, 3 + 7 10 है ना। सिंपल सी बात है, इसमें अगर हमने इसको ऐड किया तो हमें आंसर मिल रहा है 6m + 3n + 10। तो इस पॉलिनोमियल में 4m + 2n + 3 में किसको ऐड करना होगा, 2m + n + 7 को। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6m + 3n + 10। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने आंसर यहाँ पे फाइंड किया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का जो प्रॉब्लम सेट था, इस प्रॉब्लम सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखा है, डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 9th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पर भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इन वीडियोज़ को अवश्य शेयर कीजिए। इस यूट्यूब चैनल के लिंक को भी अवश्य शेयर कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स इस चैनल के ऊपर, इस चैनल पे हम क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस का स्टेट बोर्ड का मैथ्स, MHTCET और JEE इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मैथ्स का प्रिपरेशन भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। तो आपके कांटेक्ट में इन प्रकार के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें पढ़ते होंगे या फिर MHTCET और JEE का प्रिपरेशन करते होंगे, उन सभी को इस वीडियो का ज़रूर फ़ायदा होगा। तो उन सभी को इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर पाऊँ। ओके, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।